हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज गए हैं भैया सुबह के 6:05 हो गए हैं। और भाई अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं, मैं और मम्मी। अभी हम लोग जा रहे हैं आज चाचा जी के लिए, हम लोग जा रहे हैं कुरुक्षेत्र पियोवा, जहाँ पिंडदान किया जाता है। और अभी ऑलमोस्ट लेट ही हो रहे हैं थोड़ा सा, बस मम्मी भी आ गई हैं और अब हम निकल रहे हैं घर से जल्द से जल्द और फटाफट पहुँचे चाची जी के पास, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे होंगे हमारा। और हम निकलते हैं, चलते हैं। चलो भाई जा रहे हैं हम, बंद कर लो। ठीक है, तुम्हारे बर्तन वर्तन तो धुल गए, हो गया काम। मम्मी भी चली गई हैं। हाँ सोना तो आते रहेंगे, मैं सीढ़ियों से पहुँचूँ, लिफ्ट तो टाइम लगाएगी, मैं जाता हूँ। तो चलो भाई गाड़ी बाहर निकाल लिए और मम्मी बैठ गई हैं, मैं भी चलूँ फटाफट क्योंकि टाइम हो गया है 6:15। वही अभी टाइम हो गया है 6:30 और हम लोग पहुँच गए अभी चाची जी के घर। और चाची जी और अभी ऊपर से आए नहीं, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। वैसे तो उठ गए हैं वो लोग, अभी देखो आ रहे होंगे। वही एक घंटा हो गया मैं नीचे खड़े हुए और चाची अभी रेडी नहीं हुई। नमस्ते चाची। वो रेडी नहीं है कौन? चाची तो मम्मी और चाची तो निकल लिए अभी नीचे, अभी गौरव ऊपर ही है, देखो वो कितनी देर में आता है। हम लोग तो गाड़ी में जाके बैठे हैं। आ गए हैं भाई सब भी, अभी हमारे से पहले लेट करवा दिया, लाए अंधेरे। सब यहाँ पे उतर गए और अभी यहाँ पे गौरव डलवा रहा है इसमें गैस, गैस डलवा के फिर आगे चलेगा है भाई। ठीक है भाई, अभी पता नहीं गाड़ी में क्या हो गया और ये वाला सिग्नल अभी शो कर रहा है, इसका मतलब होता है भाई रेडिएटर में पानी नहीं है। हाँ। अभी भाई चेक करते हैं पहले ना, तो अभी आगे लेके जाएंगे गाड़ी, वरना से दिक्कत हो सकती है आगे, है ना, लॉन्ग रूट पे। हाँ। अभी गौरव चेक कर रहा है कि गाड़ी में एक्चुअल में क्यों इसमें लग रहा है रेडिएटर में पानी नहीं है, वो चेक करते हैं जरा आराम से पहले। तो भाई आ गए हम लोग, एंटर कर गए कुरुक्षेत्र में और ये हमेशा इधर ना डिले करता है ना कैमरा ऑन करने में, इतनी गुस्सा। तो भाई अभी कुरुक्षेत्र पे हुआ तो पहुंच गए, मगर जिस जगह जाना अभी वो नहीं किसी को पता चल रहा है, सब लोग एक एक बार ही आए हुए हैं तो इतना ध्यान में नहीं है। नहीं, अभी गया भाई गौरव, गौरव गया अभी बाहर वहाँ पे पूछने अंकल से, दीदी पहले। तो अभी गौरव आ रहा है पूछ के पता करके कि कहाँ पे है, कहाँ से जाना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से है? कहाँ से? यहाँ से बाहर। अच्छा, आगे सीधे हाथ पे। अच्छा, फिर उल्टे हाथ पे। चल ठीक है, सीधा सीधा, फिर सीधा सीधा। चलो पहुंच गए हैं पियोवा। ये तो अभी माँ सरस्वती की मूर्ति लगा रखी है ये ना। वो देख ट्रॉली, देख वो देख कैसे बना रखा है, वो देख बस बना रखी है कैसे, वो ट्रॉली वो देख। फाइनली हम लोग पियोवा पहुंच चुके हैं अभी और ये लोग उतर रहे हैं। तब तक गौरव गाड़ी भी लगवाएगा मेरे साथ, क्योंकि अभी थोड़ा सा सही से करके लगानी है गाड़ी। आते साथ ही ये देखो एंट्री किसकी, खांड की। अरे भाई मेरी गाड़ी में ना लटक जाए, वो भाग गया अभी। भाई एक और आ रहा पीछे से दौड़ाते हुए, ये तो छोटा ही है। चलो अभी हम बैठे हुए यहाँ पे, लिखवा रहे अभी पंडित जी से, सारा ये खाता लिख रहे हैं, जैसे हरिद्वार में लिखा जाता है वैसे ही यहाँ पे भी लिखा जा रहा है। और बजरंग बली की, तो भाई ये है सरोवर वाले यहाँ पे नीचे, ये आ गए हम लोग यहाँ पे सरोवर है, यहाँ पे हो रही है पाठ पूजा अभी, ये पिंडदान जो हो रहे हैं यहाँ पे देखो आप। तो ये सरोवर है जहाँ पे पिंडदान होता है, जो हम आए हुए पियोवा में, और अभी ये करेगा ये भाई हमारा पिंडदान। ठीक है, यहाँ पे पूजा हो रही है। हाँ हाँ करेंगे करेंगे, अभी सब करेंगे। अभी गौरव मुँह हाथ धो रहा है, अभी पंडित जी ने बोला इसको मुँह हाथ धोने के लिए धो लो, आप लोग भी धो लो भाई, आ जाओ। मम्मी ने भी छींटे मार ली, चाची की बारी, चाची भी मुँह हाथ धोने चली गई। हो गया भाई चलो धो लो, और तू भाई बैठ जा वहाँ पे, दरी भी जगह दी है पिंडदान के लिए, जल्दी चल। तो भाई मैं अभी मुँह धो लूँ क्योंकि काफ़ी देर ड्राइव करके आया हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुँह धोऊंगा तो फ्रेशनेस आएगी। ये पकड़ ले भाई सामान, मैं अभी मुँह धो के आया। तो ये पंडित जी भी पूजा करा रहे हैं, पिंडों को मिलवा रहे हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं उन सबको मिलवा रहे हैं। और थोड़ा बैठा हुआ है यहाँ पे पंडित जी से, अभी सेटलमेंट कर रहे हैं। पंडित जी ने पूजा तो करा दी, पिंडदान करवा दिया है, मगर अभी सेटलमेंट हो रही है कि क्या करा जाए। ठीक है, मगर पंडित जी अच्छे भाई मान गए, क्योंकि हमारे बहुत पुराने जानकार हैं पंडित जी भी, तो चलता है उनको भी पता है हम पिछली बार क्या करके गए थे और इस बार भी बढ़ा के देके जा रहे हैं। कोड़ी भी रखते हैं। पिंडदान करने के बाद सारे पिंडों को सरोवर में छोड़ दिया है, पिंडों को मिला दिया, सब कर दिया पूजा पाठ, और अभी हम लोग अब आगे जा रहे हैं। चल आ जाओ गौरव, आप लोग तो चलो वहाँ पे, हम लोग आ रहे हैं। पंडित जी कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो पंडित जी अभी? और ये अब पीपल पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, जल डलता है पितरों की शांति के लिए। अच्छा, और फिर एक कार्तिक जी भगवान है जो शिव जी के बड़े लड़के हैं, वहाँ पर तेल डलता है, तेल डलता है। अच्छा, वहाँ पे जा रहे हैं अभी हम लोग। चलो जी, और ये सरोवर का नाम क्या है ये पूरा कुंड जो है? सरस्वती घाट है, सरस्वती घाट, सरस्वती घाट।
चलो भाई, मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे ही दी है कि कैसे यहाँ पे जब हम लोग आते हैं पिंडदान करने तो कैसे कैसे होता है, देख लो। तो ये प्रेत पीपल है जहाँ पे हमें वो क्या कहते हैं जल ला के चढ़ाना होता है पितरों की शांति के लिए ना, मतलब यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे जल चढ़ाते हैं तो वो पितरों को मिलता है, है ना, को मिलता है यहाँ पे। हाँ हाँ अच्छा, अंदर कार्तिक जो आगे है कार्तिक भगवान जी का, शिव जी का मंदिर है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर तेल पाया जाता है। अच्छा अच्छा, ये देख लो पीपल का पेड़ बहुत विशाल है, ये बहुत विशाल। तो गौरव अभी जा रहा है जल भर अभी भर के और पीपल में जाने गए, यहाँ पर जो मान ले संडे को जल नहीं डलता है। चलो भाई, गौरव अभी लेके आ गया जल, ऊपर डालना है पीपल में। अरे नहीं, इधर 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 इधर, आज तो संडे है ना, संडे को पीपल में नहीं चढ़ता, तो यहाँ पे प्रेत शिला पे चढ़ता है। हाँ तो वही मैं अभी जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ जब इतनी दूर आया हूँ तो कम से कम जाके जल तो पितरों को अपने दे दिया जाए, चढ़ा दिया जाए। तो बाल्टी भर ली है और अब मैं भी प्रेत शिला में डाल दूँ, जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है भाई। ये देखिए आज संडे है तो आज पीपल पे पानी नहीं डालते हैं, प्रेत शिला में डाला जाता पानी। ये देखिए अभी हम मंदिर में आ गए हैं, कौन सा मंदिर लाए हो आप? कार्तिक भगवान जी का मंदिर, कार्तिक भगवान जी का। यहाँ तेल पाया जाता है। अच्छा, तो यानी कि जो देव बत्ती जगाई जाती है वो 365 दिन के लिए देव बत्ती जगाई जाती है। अच्छा, ये कार्तिक जी भगवान जी का मंदिर है जो शिव जी के बड़े लड़के। अच्छा अच्छा, आप अंदर जाके आ गए। चलो, अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अंदर बनाना कोई भी वीडियो या फोटो, तो इसलिए मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जब मैं आ जाऊँगा ना बाद में, उसके बाद मैं ऑन करूँगा। और यहाँ पे अभी लेडीज अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, लेडीज़ों का यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी और पंजाबी दोनों में लिखा हुआ है हर चीज़। मैं आपको और अच्छे क्लोज से दिखाता हूँ, यहाँ पे लेडीज़ भी अलाउ नहीं है भाई। चलो अब अंदर चलते हैं भाई, अभी मंदिर में से निकल रहे हैं और देख लो ये पहले ही क्या कहते हैं सब मांगने चालू हो जाते हैं आगे पीछे। देख रहे हो हर मंदिर का ये हाल है, आप कहीं पर भी चले जाओ और सब जगह यही हाल है कि बस मांगने वालों की कमी नहीं है। मम्मी अभी वॉशरूम गई हैं और ऊपर देखो यहाँ पे, ये देख लो कितने सारे बंदर धूप सेक रहे हैं भाई ऊपर बैठ के। ये तो ये देखो ओए। तो भाई यहाँ से तो हमारा काम ख़त्म हो गया पिंडदान वाला, हम लोग सीधा घर की तरफ निकल रहे हैं। तो अब चलते हैं भाई घर की तरफ, बैठो जी बैठो। अभी हम यहाँ रुके थे और यहाँ पे भंडारा चल रहा है, देखो लंगर लगा हुआ है जो सब लोग सेवा कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँगा, देखो मेरे पीछे वारा वाल लेने चला गया अभी। अभी हम यहाँ से निकल रहे थे और अभी दिखे हैं यहाँ पे हमें मगरमच्छ काफ़ी सारे, ये फार्म है किसी ने पाले हुए हैं मगरमच्छ ना शायद, चल रहा वाला। देखो मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की कि आपको दिख जाए। और देखो तो अभी हम रुक गए यहाँ पे ना, किसी ने फार्म हाउस में खूब सारे यहाँ पे पीछे मगरमच्छ पाले हुए हैं, वो देखे अभी मैंने, मगर काफ़ी दूर थे। अभी मेरे मोबाइल की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ ठीक से, बट जैसा भी था मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी यहाँ पे मम्मी और सब लोग देख रहे हैं, देख वाली लगा रखी है, देख रहे हैं। तो अभी जा रहे थे हम लोग घर तो बीच में रुके अभी खाना खाने के लिए, चाची ने कहा खाली पेट नहीं कर जाना, और वैसे भी खाने का तो टाइम हो ही गया है, 2:30 बज गए हैं। तो अभी हम आ गए मिन्नी ढाबा में यहाँ पे खाने, सब लोग बैठ रहे हैं अभी। बैठो गौरव जी, बैठो 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 अपने मिन्नी ढाबा पे जल्दी। तो वही अभी अपना खाना आ चुका और हम लोग खाने के लिए रेडी भी हो गए, मतलब खा भी बैठे हैं, मम्मी का बस खाने वाले हैं। हैं मम्मी का फोकस लो, देखो कितना सारा खा रही है। हाँ भाई, चाची को हमने अच्छे से बिठाया कि भाई अच्छे से खाना ठीक है, हमने तो थोड़ा थोड़ा ले लिया भाई सबने, हैं चाची की भाई कमज़ोर ना हो जाए बस चाची, हम इतना ख्याल रख रहे हैं देख लो। चलो भाई अपना भी फिनिश होने वाला है बस, और गौरव ने खा लिया क्योंकि इसका पेट ख़राब है इसलिए ज़्यादा नहीं खाएगा, है ना भाई? भाई तो भाई अब खाना खा के हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और होपफुली कि 5-5:30 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। अभी आराम आराम से जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, है ना, पता है ना? हाँ यार, वो तो कैसे आगे लेके जा रहा है यार तेज हमारे से, रुक जा अभी मैं बताऊँ इसको। देखो वो निकल गया निकल गया निकल गया।
फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये कूड़ादान देखने के बाद तो हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई हम दिल्ली में आ गए हैं। मगर देखो ये दिल्ली का कूड़ादान भी कम हो रहा है, वो ऊपर ना मशीनें लगी हुई है खाद बना रहे हैं कूड़े से। भाई देखा केजरीवाल जी का दिमाग कि कूड़े से खाद बनाई जा रही है, और ये जल्दी वो कूड़ेदान भी हटा देंगे देखना। हो चुके भाई घड़ी में भी पहुँचे और हम लोग आ गए घर। अभी मम्मी तो पहले ही ऊपर आ गई थी, मैं बस अभी ऊपर आ रहा हूँ गाड़ी पार्किंग में लगा के। और अभी देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना ये नॉटी बच्चा, इसने मेरे को डरा दिया। मेरे बच्चे ने भाई अभी जैसे मैं घुसा हूँ और पार्थ ने मेरे को डरा दिया। देखो कितना प्यार कर रहा है मेरे बच्चों। आए मेरे बच्चों, हाँ हाँ अब ये कुछ बताएगा। कितने बेटा? अभी मैं 5:30 हो रहे हैं, 5:30 पौने छह हम पहुंच भी गए। अरे कितने बजे पहुंचे? पानी दे दे, पानी तो पानी के लिए जगह, वो मेरे को गर्म पानी पिला रही है। पूरा दिमाग खराब हो गया है इतनी देर से। पति आया भाई, यानी कि पानी दो, इधर दो। अरे जल्दी दो, दो दो इधर दो, चाय बनाओ बाकी। हाँ क्या तू भी बोल, खा ले तू। देखो यहाँ पे कूटने पे लगी है। आ गया हूँ मैं, कूटो मेरे को। यही तो काम करती हो तुम, और करती क्या हो? कूटो तुम्हारे लिए अच्छे से कूट के अदरक वाली अच्छी चाय बना रही। बनाओ बनाओ, चलो शाबाश बनाओ भाई। अभी अभी आ गया भाई अपना यहाँ पे चाय नाश्ता। ये देखो, और पार्थ तू गिरा के ही मानी हो, गिरा के ही मानी हो। और मम्मी भी चाय पी रही है। और थकान तो नहीं हुई ना ज्यादा? नहीं नहीं, आराम से ना। चलो ठीक है, चलो पी लो। तो भाई अभी देखो पार चला गया नीचे साइकिल चलाने, मैं तो आगे तक थक गया था तो मैं नीचे गया नहीं। अभी तो मीतू गई हुई है पार को साइकिल चलवाने, और पार ये देख लो ये चला रहा साइकिल। ये रहा, अभी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है मगर ठीक है। ये देखो तो भाई आज नमस्ते जी, नमस्ते। आज भैया बहुत दिनों बाद हमारे घर जितांश आया है, ये हमारे छोटे फ्रेंड को आज आप बहुत दिनों बाद देख रहे होगे। चला गया ना, मगर ये है उतने का ही, उतना बड़ा नहीं हुआ ये है। और पार्थ भी इसके तो मस्ती कर रहा है, दोनों खेल रहे हैं भाई। खेल लो खेल लो। अच्छा हेलो तो कर दे, हेलो कर दे जल्दी, हेलो कर दे। मैं बॉल नहीं लूँगा। अच्छा बॉल तो दे दे, वो वाली बॉल दे दे यार, मेरे पास बॉल नहीं है भाई, दे दे। ओ कैसे मुँह मोड़ लिया। चलो तो भाई अभी घड़ी में बज गए हैं 9, और अब मैंने तो डिनर कर लिया है। और आज लिटरली यार बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि सुबह मैं 4:30 बजे उठ गया था, और 4:30 बजे से अभी तक बस ड्राइविंग और काम वाम में लगे हुए थे। तो अब घर में आके बस खाना वाना खा के अब थोड़ा रेस्ट किया है। तो बस अब वीडियो का मैं एंड करने जा रहा हूँ, और एंड करने पर जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से, एक एक आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और अच्छी वीडियो बना पाऊँ। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट करो जो कि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊँ। आज मैं आप लोगों को कुरुक्षेत्र लेके गया, हालांकि मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनके वो मैंने मतलब आज हमें उनकी वो गति करवानी थी। तो वहाँ पे आप सब लोगों को पता है कि पिंडदान करने जाया जाता है, गति करवाई जाती है वहाँ पे, जो हमारे पूर्वज हैं उनको मिलाया जाता है। तो मैंने आपको उन सब की वीडियो दिखाई, तो सभी के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड आगे मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो ला के देता रहूँगा। ये भी एक वीडियो थी जो सबकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी थी, जो मैं हम लोग कुरुक्षेत्र गए, वहाँ पियोवा गए, पियोवा में वहाँ पे हमने पिंडदान किया, ये सब जो मैंने आप लोगों को दिखाया। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।